वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो एक फूड चैलेंज होने वाला है। मैंने ख़ुद को चैलेंज किया है कि मैंने 5 दिरहम के अंदर दुबई में जो है ना एक टाइम का खाना खाना है। तो मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस की बेस पर आपको वो जगहें दिखाऊँगा जहाँ पर आप 5 दिरहम के अंदर एक टाइम का खाना पेट भर के खा सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि किस तरह हम कामयाब होते हैं अपने इस चैलेंज में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरे सबसे फेवरेट एरिया डेरा दुबई में और फिश राउंड अबाउट के साथ। और यहाँ पर सबसे जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो है फलाफिल। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फलाफिल मिलते हैं। तो चलें हम उस शॉप पे जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो गाइस, ये जो शॉप है, इस दुकान को तकरीबन मैं 10 साल से जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 10 साल से यहाँ पर जो फलाफिल का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर 1 दिरहम के 2 फलाफिल मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलें हम फलाफिल ख़रीदते हैं और आपको दिखाते हैं। I know, I have been eating it. When I used to live in Dera here, I used to buy it for 2 falafel for 1 dirham. You was with our family now. Yes, now I have family. I have 2 kids, mashallah. So, ये जो शॉप है 1991 से है और 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसका जो प्राइस है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मतलब दुबई जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, लेकिन इनका टेस्ट और प्राइस अभी तक सेम है, आप इमेजिन करें। तो ये भी एक फाइंडिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी तो गाइज, ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये एक इराकी रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहुत ही ओरिजिनल और ऑथेंटिक किस्म का जो फलाफिल है और शवारमा मिलता है, बहुत ही टेस्टी किस्म का। और इसका जो प्राइस है बहुत ही नॉमिनल है। मतलब इतना टेस्टी जो फलाफिल है मैंने शायद ही दुबई में कहीं खाया हो। तो आप देखें कितना फ्रेश तरीके से फलाफिल तैयार किया जाता है। और मेरी जो सबसे फेवरेट है ना, इनके जो पिकल्स हैं यहाँ पर, वो मेरा सबसे फेवरेट है। ये पिकल्स जो है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। आई नीड 4 फलाफिल प्लीज़। नो नो, जस्ट फलाफिल, ओनली फलाफिल, यस। तो 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर जॉब ढूंढ रहा था तो मेरा डेली का एक टाइम का खाना यहाँ से होता था रात को, क्योंकि उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे और दुबई में सर्वाइव भी करना था। तो मतलब बहुत ही पेट भर के और अच्छे से मैं यहाँ पर एक टाइम का खाना खाता था। नो नीड, ओनली दिस, गिव मी द पिकल आल्सो। तो अब मैं दिखाता हूँ कि सिर्फ 2 दिरहम के अंदर, सिर्फ 2 दिरहम में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे फलाफिल आ चुके हैं। इमेजिन करें कि अभी तक इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदला और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और बहुत ही जो है ना सॉफ्ट है, थोड़ा क्रिस्पी है और सॉफ्ट है। ये जो इनकी सॉस है ना, गार्लिक सॉस है। और मेरा जो फेवरेट पार्ट है ना वो ये कलरफुल पिकल्स हैं। बहुत ही यम्मी लगता है फलाफल का, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। Thank you.
चार फलाफल जो है ना, आराम से आप पेट भर सकते हैं। अभी तक मैंने एक ही खाया और मेरा काफ़ी हद तक पेट भर चुका है। तो अब फलाफल खाने के लिए आपको फलस्तीन जाने की ज़रूरत नहीं है, दुबई में भी बहुत ही ओरिजिनल किस्म के फलाफल है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मतलब दो दरम कुछ भी नहीं है। दो दरम में दुबई जैसे शहर में जो लोग भी स्ट्रगलिंग हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, एक टाइम में खाना ईजिली खा सकते हैं। मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा होगा जो ये अल गुरैर मॉल है, और जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जो दुबई का सबसे पहला मॉल है ना, सबसे पुराना, वो यही है। और एक टाइम पे जो डाउनटाउन, बुर्ज खलीफा कुछ भी नहीं था, जो दुबई की सबसे प्राइम लोकेशन थी ना, वो डेरा दुबई था। मतलब यही है वो जगह जहाँ से दुबई की तरक्की का आगाज़ हुआ है। पीछे देखो किसका तो खूबसूरत सी मस्जिद है, बहुत ही लाइवली एरिया है, बहुत ही लाइवली। और ये जो अलफरात रेस्टोरेंट है ना इराकी, उसके तमाम खाने बहुत ही मज़ेदार हैं। बाकी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो फलाफल है ना उसका प्राइस सेम है 10,000। जी तो गाइस, ये मज़ेदार किस्म का फलाफल हमने खा लिया है और अब हमारे पास 3 दरम बाकी हैं। तो 3 दरम में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम चाय पी सकते हैं और पानी, या उसके अलावा भी कुछ और ले सकते। जी तो गाइस, नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो है कड़क चाय, और यहाँ का जो साउथ इंडियन पकोड़े ट्राई करना है हमने। देखें कितने मज़ेदार किस्म के पकोड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, साउथ इंडियन स्टाइल के, तो आज वो हम ट्राई करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 दरम बाकी थे और उस 3 दरम में हमने 1 दरम के पकौड़े लिए हैं और 1 दरम की चाय ली है, तो अभी भी 1 दरम बाकी है, तो 5 दरम अभी ख़त्म नहीं हुआ, चैलेंज इज कंटिन्यू। हमदान चाय भी लाओ। हाँ, जी तो गाइस चेक करो पकौड़ा, ये साउथ इंडियन स्टाइल का पकौड़ा है, उसमें ज़्यादातर जो है ना ऑनियन होती है, ब्राउन ऑनियन जो है ना, बहुत ही टेस्टी किस्म का पकौड़ा है। सुपर, मतलब ब्राउन ऑनियन का जो जायका है ना, इस पकौड़े के जायके को दुबाला कर रहा है। और कितनी जूसी और मज़ेदार किस्म की चिकन यहाँ पर तैयार हो रही है, आप चेक कीजिए, ज़बरदस्त किस्म की चिकन है। पाकिस्तान से? आप कहाँ से? बांग्लादेश से। अच्छा, ये शॉप बांग्लादेश की है? इंडिया। इंडिया, केरला का है ना? केरला का। अच्छा, तो ये हमारे भाई हैं बांग्लादेश से, इनका ताल्लुक है और ये एक इंडियन शॉप पर काम कर रहे हैं। गाइस, मेरे जो ये 2 स्पॉट है ना, इससे तो 5 दरम में 2 बंदे आराम से मिलके खाना खा सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े इतने ज़्यादा हैं कि मुझसे ख़त्म नहीं हो रहे, पूरा आधा पैकेट है ये। मज़ेदार, ज़बरदस्त। और अब हम चाय को ट्राई करेंगे। गरम गरम चाय तैयार। आप सिर्फ 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाएं और अंदाज़ा लगाएं कि डेरा का जो एरिया है कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हज़ारों लोग एक वक्त में गुजर रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, क्योंकि जितने भी काम करने वाले जो बंदे हैं ना, वो सब यहीं पर रहते हैं। बस जी तो गाइस, ये चाय जो है ना बहुत ही टेस्टी है, इमेजिन करें, मतलब इसमें अदरक का जो जायका है ना, वो पूरी आपकी थकान दूर कर देगा और बिल्कुल होश में लेके आ जाएगा आपको, एकदम दिमाग को रीसेट करने वाली चाय है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की। और मुझे जो है ना स्ट्रॉन्ग चाय ही पसंद है, मुझे दूध पत्ती वाली चाय जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जी तो गाइस, ये था हमारा एक वक्त का खाना, जो कि सिर्फ हमने 4 दरम में इस चैलेंज को पूरा किया है, और ये ऑप्शन 1 हो गया है।
अब जाहिर सी बात है रोज़ रोज़ तो आप फलाफल नहीं खा सकते ना, तो इसलिए हम आपको एटलीस्ट तीन ऑप्शन तो ऐसे दिखाएंगे जो कि 5 ग्राम के अंडर हों। तो चलें नेक्स्ट चैलेंज की तरफ अपने। जी तो गाइज़ हमारी यूट्यूब सेंसेशन मिस्टर सैफ भी जाग चुके हैं और इनको इनकी व्लॉग में एंट्री ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो हम अब रवाना हो रहे हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए, लेकिन इस वक्त मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद हम खाएंगे। चलें मज़ी चलते हैं आगे। जी तो गाइज़ मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलबरा के एक एरिया में और इस मेरे सामने बिल्कुल जो है ना समंदर है और डेरा आइलैंड है बिल्कुल, और उस तरफ लेफ्ट पे जो है ना फ़िश मार्केट है, और ये वही इलाका है जब दुबई में मैंने पहला कदम रखा था अपना, यहाँ पर ही स्टे किया था। मतलब जो भी स्ट्रगलिंग जो लोग हैं जो आके जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेस्ट एरिया है रहने के लिए यहाँ पर, क्योंकि खाना जो है ना बहुत ही नहायत ही सस्ते दामों में यहाँ पर दस्तियाब है। तो हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैलेंज किया है कि 5 दिरहम के अंदर हम कौन से खाने हैं जो खा सकते हैं दुबई में प्रॉपर मील, तो ऐसी ही मैं 2 लोकेशन पर मौजूद हूँ। ये एक मरी दरबार रेस्टोरेंट है मेरे सामने और उसी के बराबर में पंजाब दरबार रेस्टोरेंट है। मतलब इस पूरी स्ट्रीट पे जो है ना खानों की कमी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज किस्म के खाने नहायत ही मुनासिब दाम में दस्तयाब हैं यहाँ पर। तो चलें हम अपना चैलेंज कंटिन्यू करते हैं 5 दिरहम वाला और दिखाते हैं कि कौन सा प्रॉपर मील हम 5 दिरहम के अंदर खा सकते हैं दुबई में। जी तो गाइस आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही प्रॉपर किस्म का रेस्टोरेंट है और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ये लोग खाना बनाते हैं और इनका प्राइस जो है ना बहुत रीज़नेबल है। तो अब देखते हैं कि क्या मिलता है हमें खाने में यहाँ पर। जी तो गाइस हमने ऑर्डर की है दाल मरी दरबार की और एक रोटी जिसका टोटल प्राइस आएगा 5 दिरहम और पानी यहाँ पर फ्री होता है बिल्कुल। तो 5 दिरहम में आप दुबई में बहुत ही प्रॉपर किस्म का खाना खा सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। जी तो गाइस चेक करो कितना लजीज किस्म का जो डिनर है 5 दिरहम के अंदर आ चुका है। मतलब ये दाल है बहुत ही मज़ेदार लग रही है, सैलेड है, रायता है, रोटी है और पानी भी फ्री है। मतलब सिर्फ 5 दिरहम में प्रॉपर खाना हाइजेनिक दुबई में, इमेजिन करें। तो है ना ये हिडन जैम या नहीं है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। दाल जो है ना दिखने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है और दाल जो है ना मेरी बहुत ही फेवरेट है। जी तो गाइस अब शुरू करते हैं हमारा 5 दिरहम वाला डिनर और आपको बताते हैं कैसा रहेगा। रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है और फ्रेश है एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करो दाल किस कदर डिलीशियस है दाल। चेफ को भी खानी है। जी तो गाइस हमदान की भी फेवरेट है दाल जो है ना। हमदान राइस बिल्कुल भी नहीं खाता और मुझे तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमदान जो है ना राइस को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन जो दाल है और नहारी है आलू गोश है बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही लजीज दाल बिल्कुल घर की तरह लग रही है। सैलड भी चेक करो
इतना प्लेट भर के सैलेड दे। बस गाइस ये था हमारा मील पांच धर्म के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल और रोटी, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलें अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। बस बस वाइट आइसक्रीम जी। तो गाइस ड्राइव थ्रू में जो रश था काफ़ी लंबा था, तो मैं खुद जाके वहाँ से लेके आ गया हूँ आइसक्रीम जो है ना, देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। दो धर्म में आइसक्रीम मिलती है। एंड दिस इज हमदान फेवरेट आइसक्रीम। बस चैलेंज को जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, और ख़ुद को चैलेंज पे एक चैलेंज कर दिया है कि पांच धर्म में मुझे खाना ढूंढना है शेख जायद रोड के बैक पर। क्या पांच धर्म में, वो भी शेख जायद रोड पर? यू मस्ट बी क्रेजी जी गाइज, आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। ये देखें लिटरली शेख जायद रोड पर हूँ मैं, मेरे बैक पे देखो पूरी बिल्डिंग्स, जितने भी शेख जायद रोड के टावर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और उसके बैक साइड पे जो ये सर्विस रोड है, यहाँ पर दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट एंड कैफेटेरिया है। एक है टी मेट, दूसरा है सतवा फैल्कन। इन दोनों ही रेस्टोरेंट में आप पाँच धर्म में प्रॉपर मील खा सकते हैं। सो चलो, तो इस वक्त मेरा मूड है चिकन बर्गर खाने का, तो लेट्स सी पांच धर्म वाला चिकन बर्गर ऑन शेख जायद रोड। जी तो गाइस लिटरली जो है ना शेख जायद रोड के बिल्कुल बैक साइड पर है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कैफेटेरिया, स्मॉल टी मेट के नाम से है, और काफ़ी अच्छे यहाँ पर शवारमा है, और इनकी चाय बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय है इनकी। और इसके बिल्कुल साथ में एक पार्क है, तो अगर आप स्टे कर रहे हैं शेख जायद रोड पर किसी भी होटल में, तो यहाँ पर आके बहुत ही नहायत ही मुनासिब दाम में आप खाना खा सकते हैं, और उस खाने को फिर अदम भी कर सकते हैं वॉक करके पार्क में। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है अपना चिकन बर्गर, क्योंकि हमने कोशिश की थी अपने इस चैलेंज में जो फूड है बहुत ही उसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटी हो। तो वैसे तो आप शवारमा भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक पराठा सैंडविच होता है, चिकन पराठा सैंडविच, चिकन ऑमलेट सैंडविच, तो ये सब चीज़ें पाँच रंग के अंडर में हैं, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा बर्गर कैसा होगा। जी तो गाइज हमारा बहुत ही लजीज किस्म का पांच दरों वाला चिकन बर्गर आ चुका है, वो भी लिटरली शेख जायद रोड पर, और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी है, चीज़ी भी है। चिकन चीज़ बर्गर ओनली इन फाइव दरम शेख जायद रोड पर। तो अब मैं खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसा है टेस्ट। चेक करो बर्गर, अनबिलीवेबल, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार जायका। लजीज लजीज किस्म का बर्गर है। आप लोगों के मुंह में यकीनन पानी तो आ चुका होगा, इस वक्त मैं आउटडोर एरिया में बैठा हूँ, और यहाँ से जो व्यू है ना शेख जायद के जितने भी टावर्स हैं बहुत ही कमाल का व्यू है, और इस व्यू के साथ पांच धर्म के अंदर ये बर्गर खाने का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ आप खुद आके महसूस कर सकते हैं। और एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने 10 साल के ट्रैवल एक्सपीरियंस से, कि अगर आप किसी भी जगह पर नए हैं और आपको नहीं पता कि खाना कैसा होगा उस जगह का, आप वहाँ देखेंगे जो टैक्सी वाले हजरात हैं वो कितने ज़्यादा हैं वहाँ पर, मतलब जिस जगह पर भी टैक्सी वाले हजरात खाना खा रहे हैं
तो आप समझ लें, बस आंख बंद करके वहाँ के खाना खा लें, क्योंकि यकीनन वो जो प्राइस होगा बहुत रीज़नेबल होगा और खाना भी बहुत ही, अगर आप इसमें दो ड्रम ऐड करते हैं तो प्रॉपर फ्राइज भी मिल जाएगी आपको। तो ये है टी मेट रेस्टोरेंट, लिटरली शेख जैद रोड पर है और बहुत ही लजीज किस्म के इनके खाने हैं और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर क्यूट सा जो है ना आउटसाइड सीटिंग एरिया भी है इनका। और व्यू देखो, यहाँ से आपको ये व्यू नज़र आएगा और प्राइस जो है ना बहुत ही रीज़नेबल है। यहाँ पर जो मुझे सिर्फ दो लोग ज़्यादा नज़र आए हैं, एक तो जो टूरिस्ट हैं काफ़ी जो इन बिल्डिंग्स में होटल्स में स्टे कर रहे हैं, सेकेंडली लाइन से टैक्सी ड्राइवर्स हैं। यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा तादाद में जो है ना टैक्सी ड्राइवर्स हैं। और टीमेट के साथ ही बिल्कुल ही बराबर में ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है, तो हमदान को यहाँ लेके आए, यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो चैलेंज था मेरे लिए बहुत टफ था। हमने तीन जो डिशेज हैं हैवी किस्म की वो ट्राई की हैं और उस पर बनता है कि कोई लंबी सी वॉक होनी चाहिए, तो ये ट्रैक है अच्छा वॉक के लिए। यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं, और बच्चों के लिए अच्छा खेलने की जगह है यहाँ पर। मेरे घर से काफ़ी करीब है ये, तो मेरा तो सबसे फेवरेट हैंगआउट स्पॉट यही है। अगर मौसम अच्छा हो, प्यारा हो, तो इस पार्क का जो मज़ा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमदान जो है ना जी, तो गाइस जब तक हमदान इस पार्क में खेल रहा है हम यहाँ थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और पीछे जो शेख जैद की जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ से उस व्यू का नज़ारा लेंगे। कितना खूबसूरत सा पार्क है, तो रात में शायद आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन एक कंक्रीट जंगल के बीच में एक ओएसिस है। मतलब मेरे जो चारों तरफ हैं वो बिल्डिंग्स और विलाज हैं और इसके बीच में बिल्कुल शहर के इस प्रीमियम लोकेशन पे ये खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। सो अगेन हैट्स ऑफ टू दुबई, डिज़ाइन इज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। जी तो गाइज, आज के हमारे इस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। उम्मीद है हमारा जो ये छोटा सा व्लॉग है आपको पसंद आया होगा, जो हमारा आज का फूड चैलेंज था। और इसी किस्म की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बंधे रहिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।